सो गाइस, तो अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी दृश्यम 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में और आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाले, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि इस तरह की मूवीज के अंदर स्पॉइलर देना बहुत ही बड़ा गुनाह हो जाता है, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना पता चलने वाला है कि फिल्म एक्चुअली में कैसी बनाई गई और कैसे आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से फिल्म की स्टोरी की, जिसकी शुरुआत होती है ठीक इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी के साथ, 7 साल बाद की, यानी कि 7 साल के बाद दोबारा इस केस को रीओपन किया जाता है। और यहाँ जाहिर है कि इसके पहले पार्ट की तरह तबू अगेन इसके सेकंड पार्ट में भी अजय और उसकी फैमिली के पीछे पड़ी है, लेकिन यहाँ कहानी में एक नया किरदार आया है जो कि आया अक्षय खन्ना का, जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल फिल्म की यही स्टोरी है कि इस बार अक्षय खन्ना और तबू मिल के ये साबित करेंगे कि भाई साहब इन्होंने ही गुनाह किया, यानी कि अजय और उसकी फैमिली ने, उन्होंने ही मर्डर किया है तबू के बेटे का। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब गुनेगार का गुनाह ही साबित ना हो तो उसे सजा कैसी दी जा सकती है। तो आपको यही फिल्म में जानने को मिलेगा कि क्या इस बार अगेन एक चौथी फेल आदमी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चूना अगेन लगा पाता है या फिर नहीं। और हम सभी जानते हैं कि अजय देवगन फिर से इस प्लान में कामयाब होंगे, और ये कोई स्पॉइलर में नहीं दे रहा, यहाँ सभी जानते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका थर्ड पार्ट भी आना है। लेकिन यहाँ आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि भाई अगेन अजय की फैमिली और अजय फिर से बच जाएंगे, यानी कि उन्होंने जो भी कांड किया है वो फिर से साबित नहीं होगा। तो भाई साहब हाँ जाहिर सी बात है यही स्टोरी, लेकिन फिल्म के अंदर जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया, जिस तरीके से फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न डाले गए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। जो भाई साहब अजय देवगन ने जो पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरह अपनी उंगलियों में नचाया है ना, उसकी बात ही अलग है। भले ही फिल्म में अक्षय खन्ना है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके बावजूद भी भाई अजय देवगन तो उन सबसे 3-4 गुना आगे है, क्योंकि उनको भले ही चौथी फेल दिखाया है इस फिल्म में, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो भाई साहब वो साइंटिस्ट से भी ज्यादा तेज है, वो भी उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। मतलब कि इतना दम है मूवीज के अंदर यार, ऐसे थोड़ी हम फिल्मों के पीछे पागल हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि भाई हम फिल्मों को देख के टाइम जाया कर रहे हैं। यहाँ देखो यार, फिल्मों को देखने के बाद बंदा यार पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चूना लगा रहा है, ऐसी होनी चाहिए ना बात, लोग समझते नहीं है यार। खैर दोबारा टॉपिक की तरफ चलते हैं। भले ही मूवी रीमेक है, उससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, चाहे उसे सीन बाय सीन कॉपी क्यों ना किया हो, क्योंकि वैसे भी मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है, तो मेरे लिए तो ये फिल्म ओरिजिनल ही होगी। और यहाँ मैं ऑफकोर्स बात करना चाहूंगा मूवी के सभी एक्टर्स की। ऑफकोर्स यहाँ मैं सबसे पहले 3 एक्टर्स का ही नाम लूंगा। भाई साहब इन तीनों की जो एक्टिंग थी ना, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इन सभी ने अपने आप को ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ये एक्टिंग में कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं और कितने ये वर्सेटाइल एक्टर हैं। अजय देवगन, अक्षय खन्ना, तब्बू, इन तीनों की जो तिगड़ी थी ना इस फिल्म में, उसने तो भाई पूरा माहौल बना दिया। और क्या एक्टिंग थी भाई साहब इन तीनों की, क्या इंटेंट था इनकी परफॉर्मेंस के अंदर, क्या फेस के एक्सप्रेशन थे, क्या डायलॉग डिलीवरी थी, ओए होए। और यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मुझे ये पता चला कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना को साइन किया है, और मुझे जो उम्मीद थी ना उनसे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग की है इस फिल्म में, यानी कि टॉप नॉच वाली यार। और अजय देवगन के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो सीरियस किरदार कितने अच्छे तरीके से प्ले करना जानते हैं। और ऑफकोर्स यार तबू के बारे में तो बात होगी, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना किरदार निभाया है। यार ये तीनों ऐसे एक्टर हैं जिनके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, इन्होंने अपने आप को वैसे ही साबित किया हुआ है कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं। तो हाँ जानी, मैं तो दिल से कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो जाओ सिनेमा में जाके इस फिल्म को देख के आओ, मुझे यकीन है कि आप इस फिल्म को देख के बहुत ही ज्यादा इंजॉय करोगे। और वैसे भी इस तरह की फिल्में बहुत ही कम बनती हैं, और अगर बनती है तो इन्हें मिस नहीं किया जाता। तो जाओ भाई थिएटर में जाके एंजॉय करो, और यकीन मानो जब आप इसे देख के निकलोगे ना, तो आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हाँ भाई मैंने अपने पैसे जाए किए, आपको ये बिल्कुल फील होगा कि भाई साहब मैंने अपने पैसे सही जगह लगाए हैं, क्योंकि आपके जो पैसे है ना वो काफी कीमती है, और अगर पैसे सही जगह लगे तो इंसान को अफसोस नहीं होता है। और ये फिल्म ये डिजर्व करती है कि आपके ये जितने भी पैसे ये फिल्म लेगी उसके बदले ये आपको बहुत ही अच्छा एंटरटेन देगी। और इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं।